सेक्रेटरी ज़रात पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। कपास की बवाई के टारगेट और निगहदाश्त बारे इजलास का इनेकाद किया गया। डायरेक्टर जनरल क्रॉप डॉक्टर अब्दुल कयूम और डायरेक्टर ज़रई इतलास समेत दीगर की शिरकत भी हुई और कपास की काश के दुरुस्त एदादोशुमार 10 जून तक मुरतब करके पेश किए जाने का इम्कान है। आपको बताएं कि सेक्रेटरी ज़रात पंजाब इफ्तिखार अली सहू की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ। कपास की बवाई के टारगेट और निगहदाश्त बारे इजलास का इनेकाद किया गया। मज़ीद जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। हाँ जी बिल्कुल, इसी इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी ज़रात टास्क फोर्स पंजाब मोहम्मद बशीर अहमद खान, कंसल्टेंट महकमा ज़रात पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली, डायरेक्टर जनरल ज़रात तौसीफ चौधरी अब्दुल हमीद समेत दीगर आला अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे और इजलास में डिविजनल डायरेक्टर ज़रात तौसीफ बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इस मौके पर सेक्रेटरी ज़रात इफ्तिखार अली सहू का कहना था कि कपास की काश्त और निगहदाश्ती अमूर बारे फील्ड फार्मेशन को तमाम मतलूबा वसाइल फराम करने की जो है वो हदायत दी गई और इस हवाले से उनका कहना था कि कपास की काश के दुरुस्त अदादोशुमार 10 जून तक मुरतब करके पेश किए जाएँ। अदादोशुमार मुरतब करने से कबल मुकम्मल जाँच पड़ताल की जाए, गलत अदादोशुमार पेश करने वाले अफसरान व अमला पर जिम्मेदारी आयद होगी। इस हवाले से उनका मजीद ये कहना था कि कपास की काश के अदादोशुमार की दुरुस्तगी से मुतालिक थर्ड पार्टी से तौसीक कराई जाएगी और उनसे ऑडिट भी करवाया जाएगा। मार्केटों में मयारी ज़रई मदाखल की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग तेज की जाए, खादों की डिस्पैच जियो टैगिंग के मुताबिक जो है उसको यकीनी बनाया जाए और इस हवाले से उनका यह कहना था कि मयारी ज़रई अद्वियात मुकर्रर करदा कीमतों पर फराहम करने के लिए तमाम सहूलियात सेंटर जो है वो जल्द कायम किए जाए और किसानों को हर किस्म की सहूलत जो है उनके खेतों पर ही फराहम की जाए। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया।